तो दोस्तों आज जो है गांव का घर का काम निपटा कर हम लोग जंगल की ओर निकल पड़े हैं और आज जंगल में जाकर देखते हैं कि कैसा आज का दिन हमारा जाता है जंगल पे। और ये हमारा गांव है, कुछ मवेशियाँ बंधी हुई हैं जो कि अभी सुबह का टाइम है और कुछ लोग गांव के कुछ लड़के जंगल की ओर से आते हुए। और अभी अपन मिलते हैं दोस्तों जंगल पे। फाइटिंग कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गया था, टाइगर टाइगर को ही काट दिया। टाइगर टाइगर आड़ा तो गल जाता होगा यार। तो दोस्तों हम जंगल आ चुके हैं और कुछ साथी हैं जो कि जंगल में जंगली आंवला जो है इस समय जंगल में काफ़ी है, उसी को कुछ लोग तोड़ रहे हैं। और सामने जो है कुछ चरवाहे अपने मवेशियों को भैंस चरा रहे हैं और ऐसी ख़तरनाक जगह पे गांव वाले अपने मवेशियाँ लाते हैं दोस्तों। और चलते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ हमारे आगे साथी चल रहे हैं और पीछे अपन चल रहे हैं। और आज दोस्तों अपन ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे एक मूर्ति है राधे श्याम जी का, जो कि बताया जा रहा है 500-600 साल पहले का है मूर्ति। और ये ठाड़ी पाट के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है इस क्षेत्र पे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के जंगल के बीचों बीच ये मूर्ति स्थान है, ठाड़ी पाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और अपन चलते हैं उसी जगह पे, जो कि आपको भी दिखाएंगे उस जगह को, उस मूर्ति को, जो कि बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत ही प्यारा राधे श्याम जी की मूर्ति। और अपन कुछ ही दूरी पे वो मूर्ति अपन दिखाएंगे दोस्तों, बस पहुंचने ही वाले हैं, जो कि ये ठाड़ी पाट के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। घने जंगल के बीच ये मूर्ति है दोस्तों। कहाँ जंगल के ठाड़ी पाट? मतलब 250 साल पहले। ठाड़ी पाट यही है सर देवता।
इतना सा गली के राधे कृष्ण मतलब मूर्ति को नहीं जान सके ना कि कहाँ से आई। आगे हमें दोस्तों जो पग मार्क मिले हैं काफ़ी 4-5 बाघ बाघिन और कुछ बच्चे हैं उसके, तो ऐसे ही घने जंगल में कुछ आगे बताए हमें कि है वो क्रॉस किए है रोड, और अपन ऐसे घने जंगल और ख़तरनाक जंगल के बीचों बीच अभी हम हैं। छोट छोट एक हुआ छोपो